गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दिनांक 22 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा अष्टम द्वितीय पाठ है विलसीवाणी न कदापि में सुता। यह हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत में। इसमें आपने पढ़ा कि एक बार एक जंगल में वन में एक खरंगर नाम का एक सिंह रहता है। वह सिंह जो है काफी भूखा होता है, पूरा दिन इधर उधर घूमता है, लेकिन कहीं पर भी उसको आहार प्राप्त नहीं होता। संध्या होने लगती है और उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचता है कि रात होने वाली है, अवश्य ही इस गुफा में कोई न कोई जानवर आएगा तो वो उसको मैं अपना भोजन बना लूंगा। तो इस तरह से सोचता हुआ वह वहां पर छुप जाता है। कुछ समय पश्चात वहां पर एक दधिपुच्छ नाम का सियार आता है। सियार ने देखा, दधिपुच्छ ने देखा कि गुफा में जाते हुए सिंह के पद चिन्ह बने हुए हैं, किंतु वापस बाहर निकलने के पद चिन्ह नहीं है। उसे पता चल जाता है कि अवश्य ही अंदर सिंह विद्यमान है, आज तो निश्चित ही कुछ बुरा होने वाला है, अब क्या किया जाए। यह सोचते हुए वह बीच से थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और आह्वान करता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे बीच में एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो वापस आने पर तुम मेरा आह्वान करोगी, मुझे बुलाओगी, तभी मैं प्रवेश करूंगा, अन्यथा मैं किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। यह सुनकर सिंह सोचता है कि मेरे डर के कारण आज गुफा बोल नहीं रही है, अन्यथा अवश्य ही ये गुफा अपने स्वामी से बात करती होगी, क्योंकि भय से त्रस्त मन वाले के हाथ पैर नहीं चलते, वाणी नहीं निकलती, केवल जो है वो कंपन करता है, तो अवश्य ही आज मेरे डर के कारण गुफा बोल नहीं रही है। तो सिंह सोचता है कि क्यों मैं गुफा के स्थान पर मैं इसका आह्वान कर लेता हूं, ताकि ये अंदर आएगा तो मैं इसको अपना भोजन बना लूंगा। शेर जोर से दहाड़ने लगता है, उस दहाड़ से गुफा गूंजने लगती है, वन के सभी जीव जंतु जो है वो डर जाते हैं। इस तरह से जो है उसे पता चल जाता है दधिपुच्छ को कि अंदर सिंह है और वो वहां से चला जाता है, और जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर वन में रहते हुए मैंने वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है आप हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, उसके पश्चात शब्दार्थ भी कर लिए हैं, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 ये आप कल कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं आज के विषय में। प्रश्न संख्या 1 और 2 आपके हो चुकी हैं, तो अब हम देखते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 3। पूर्ण वाक्य उत्तरता उत्तरतम। तो यहां पर देखिए पूर्ण वाक्य में बताया गया है प्रश्न संख्या का खरन खरा कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनखर कहां रहता था, तो उत्तर हो जाएगा खरनखर वने प्रतिवसति स्म। प्रश्न संख्या 2 महतीम गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत।
गुफा गुहा जसवा सिंह किम आये थे दिया था। बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहदी गुहा दृष्टवा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगुडौ भूत्वा तिष्ठामि प्रश्न संख्या ग श्रृंगार किम अचिंत्यत श्रृंगार किम अचिंत्यत सियार ने क्या सोचा? तो उत्तर हो जाएगा इसका श्रृंगार अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि अहो विनिष्टो अस्मि नूनम् अस्मि बिले सिंह अस्तीति तर्यामि सिंह ने क्या सोचा? श्रृंगारा चिंतित सिंह ने सोचा ओ विनिष्टो अस्मि आज विनिष्ट विनाश हो गया नूनम अस्मि बिले सिंह अस्तीति तर्यामि। इसमें कोई तर्क नहीं है कि गुफा में सिंह छुपा हुआ है। तो इस तरह से जो सिंह ने सोचा। प्रश्न संख्या चार अर्थात की घ श्रृंगारः कुत्र पलायिता सिंह कहाँ चला गया? उत्तर हो जाएगा श्रृंगारः दूरं पलायिता सिंह दूर चला गया। अगला प्रश्न देखिए समीपावृत्य गुहा समीप
आगत्य संगालः किम् पश्यति गुहा समीपम आगत्य संगाल किम् पश्यति गुफा के समीप आकर सियामी क्या देखा तो इसका उत्तर हो जाएगा गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल पश्यति यद् तावत् सिंह पद पद्धति सिंह पद पद्धति है गुहायां प्रविष्टा दृश्यते प्रविष्टा दृश्यते न च न च बहिरागता गुफा में के समीप आकर सियार ने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश हो रहे हैं किंतु पुनः बाहर नहीं आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न कहा शोभते कहा शोभते अनागत्यं अनागत्यं यह कुरुते स शोभते आने वाले दुख का जो निवारण कर लेता है वही शोभा प्राप्त करता है। तो यहां पर आपके जो है ये तृतीय प्रश्न पूर्ण हुआ। खरण खर पुत्र प्रतिवसति स्म खरण खर कहां रहता था तो उत्तर हो गया खरण खर वने प्रतिवसति स्म खरण खर वन में रहता है। महती गुफाया दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत बहुत बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा तो महती गुफाया दृष्ट्वा बड़ी गुफा को देखकर सिंह अचिन्त्यत सिंह ने सोचा नूनम एकस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीव आगच्छति इस गुफा में अवश्य रात्रि में कोई जीव आ जाएगा अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि अतः मैं यहाँ छुप जाता हूँ। श्रृंगालो किम अचिन्त्यत सिंह ने क्या सोचा श्रृंगाल अचिन्त्यत सिंह ने सोचा अहो विनिष्टोऽस्मि अरे विनाश हो गया नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तीति तर्यामी इसमें कोई तर्क नहीं है कि आज इस दिल में सिंह है। अगला प्रश्न श्रृंगाल पुत्र पलायती सिंह कहां पर चला गया श्रृंगाल दूर पलायती श्रृंगाल दूर चला गया वह समीपागत्य श्रृंगाल किम पश्यति गुफा के समीप आकर सिंह ने क्या देखा वह समीपम आगत्य श्रृंगाल पश्यति यद गुफा के समीप आकर सिंह ने देखा कि तावत वहां पर सिंह बद्धति शेर के पैरों के निशान गुहाया प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश होते हुए दिख रहे हैं न सभी आगता लेकिन तो बाहर आते हुए नहीं का शोभते क्या शोभा प्राप्त करता है अनागत्यम यह कुरुते स शोभते जो आने वाली कल या आने वाली विपत्ति का निवारण कर लेता है स शोभते वह शोभा प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो आप ये तीसरा प्रश्न है
इसे आप आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। अभ्यास प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या चार कहता है रेखांकित पदानी रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कब सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान भूखे से ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मे मतलब कि कैसे सिंह ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। पीछे जो है वो प्रश्न वाचक चिन्ह आ जाएगा। उसी तरह से ख दधी पुच्छ दधी पुच्छ नाम श्रृंगार गुहाया स्वामी आसीत। दधी कुछ नाम का सियार गुफा का स्वामी था तो प्रश्न बनेगा इसका के मतलब की किस नाम का सियार गुहाया स्वामी आसीत। किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। प्रश्न संख्या ग प्रश्न संख्या गत जो है वो है ऐसा गुहा स्वामी सदा आह्वान करोति। इस यह गुफा स्वामी को सदैव आह्वान करती है तो प्रश्न बनेगा ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वान करोति।
भय संत्रस्त मनसा मनसा हस्तपादालिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। वैसे संत्रस्त वैसे त्रस्त मन वाले के हाथ पे क्रिया नहीं करते। तो प्रश्न बनेगा वैसे संत्रस्त मन के क्या क्रिया नहीं करते। आह्वाने आह्वाने संगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान क्या गया, सिंह में प्रवेश करते ही सिंह उसे अपना भोजन बना लेगा या सिंह के सिंह का भोजन बन जाएगा। तो प्रश्न बनेगा इसका आह्वाने श्रृंगारः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सुधाकर सिंह पुत्रा विहार न प्राप्तवान। भूखे सिंह ने कहीं पर विहार प्राप्त नहीं किया तो कस्मे सिंह पुत्रा विहार न प्राप्तवान। कैसे सिंह ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। दधिपुच्छ नाम संगाल भाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का सिया गुफा का स्वामी था। तो प्रश्न बनेगा किम नाम संगाल गुहायाम स्वामी आसीत। किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। ऐसा गुहा स्वामी ना सदा आह्वान करोति। यह गुफा स्वामी का सदैव आह्वान करती है। तो ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वान करोति। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। भय संत्रस्त मनसा काम क्रियाम न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसा पादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से संत्रस्त मन वाले के हाथ पैर क्रिया नहीं करते। तो प्रश्न बनेगा भय संत्रस्त मनसा भय से त्रस्त मन वाले के क्या काम क्या क्रिया न प्रवर्तन्ते क्रिया नहीं करते। आह्वाने संगाल बिले प्रविश्य सिंह भोजन भविष्यति। आह्वान किया गया सिंह बिल में प्रवेश करते ही शेर का भोजन बन जाएगा। तो प्रश्न बना आह्वाने संगाल कुत्र प्रविश्य सिंह से भोजन भोज्यम भविष्यति। आह्वान किया गया सिंह कहां प्रवेश करके सिंह का भोजन बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको चौथा प्रश्न निर्माण वाला जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करना है। तो आज का होम असाइनमेंट देख लीजिए कि आपको करना क्या है। द्वितीय पाठ के प्रश्न तीन
व चार करें। ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में आज की डेट मेंशन करके और इस तरह से जो है वो आपको ये कार्य करना है। धन्यवाद।